नमस्ते आप सभी को। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के क्राइम के हालात को लेकर बात करने वाले हैं। मुझे तो वो 2017 का योगी आदित्यनाथ का बयान याद आता है। क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था और यकीन दिलाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के लोगों को कि देखिए ऐसा है कि अब यहाँ गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा, अब राम राज्य की बारी आ गई है। जिन अपराधियों में आप खौफ नहीं ला पाए वो राज्य कैसे राम राज्य कहलाए? क्यों लगातार उत्तर प्रदेश के जगह उत्तर प्रदेश से इस तरीके की खबरें आ रही है कि साफ तौर पर इस बात का एहसास हो रहा है कि वहां हालात वाकई खराब है। गुंडों को पुलिस का खौफ है ही नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं है, और खासकर महिलाओं से और उनके खिलाफ हो रहे अपराध में यूपी नंबर वन पर बना हुआ है। दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। 2016 से लेकर 2019 तक अगर आप महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करें 20% का इजाफा आया है। तो योगी आदित्यनाथ के उस वादे के ऊपर यूपी की पुलिस क्या शानदार काम कर रही थी वो इन 20% के इजाफे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 42 महिलाओं का अपहरण हो जाता है, एक घंटे में कम से कम दो ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है, या दो घंटे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, दो घंटे में एक महिला का रेप हो जाता है उत्तर प्रदेश में, हर दो घंटे में ऑन एन एवरेज, और ये NCRB के आंकड़े हैं। पुलिस ये कह सकती है अरे नहीं, वो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम को लेकर इजाफा हुआ वो तो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी पुलिस सेंसिटिव हुई है। प्लीज आप ये कहकर बच नहीं सकते हैं कि आपकी पुलिस सेंसिटिव हो गई है, वो रिपोर्ट अब जो है वो लिख रही है और महिलाओं के प्रति जितनी भी हिंसा हो रही है या क्राइम हो रहे हैं उसे लेकर सुनवाई हो रही है। अरे मेरा सवाल तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो ही क्यों रहा है, अपराध हो ही क्यों रहा है कि उनको आना पड़े और आपको वो सेंसिटिविटी दिखानी पड़े। एंड प्लीज आई विल नॉट अग्री टू दिस। क्या हुआ था पत्रकार जो गाजियाबाद के हैं, उन्होंने तो अपनी भांजी की शिकायत कर दी थी ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आपने कहा, आपकी पुलिस ने कहा कि हम मंडे से इस पर कार्रवाई करेंगे। पांच पांच लोग लगातार उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, लगातार उस लड़की का पीछा कर रहे हैं, उसे स्टॉक कर रहे हैं, फप्तियां कस रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, और आपके पास उस लड़की को लेकर शिकायत आती है तो आप कहते हैं कि हाँ, और वो भी कौन? प्लीज आप इस बात को समझिए, आम आदमी नहीं है पत्रकार जिसका रोज पुलिस के साथ उठना बैठना होता है, रोज उनसे खबरें निकलती और निकलवाई जाती है या उनके साथ राबता होता है। ऐसे में पत्रकार को यह कहा जाता है कि नहीं मंडे किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में ये गुंडे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम लड़कियों को, कि छिड़ोगी नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, या तो छिड़ जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम अपने आप परेशान अंदर ही अंदर होती रहना, तुम्हारा परिवार होता रहेगा, और अगर तुमने आवाज बुलंद कर दी तो वैसा ही हश्र होगा जैसा पत्रकार के साथ हुआ गाजियाबाद के। यहां शूट कर दिया गुंडों ने, और छुट भैया गुंडे, वो भी कब होता है? जब उत्तर प्रदेश में बकायदा एक के बाद एक पुलिस एनकाउंटर कर रही है। यूपी के नामी गिरामी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है, उस अपराधी और उस अपराधी के साथ जितने भी लोग थे, जितने भी उसके गैंगस्टर साथी थे, एक के बाद एक आप और आपकी पुलिस खत्म करते चले जाते हैं, और उसके बावजूद छुट भैये गुंडों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इन गुंडों को, इन अपराधियों को इतना, ये इतने बेखौफ हो गए हैं, इनको आपकी खाकी वर्दी से डर नहीं लगता है, इनको पता है कि इसका निपटारा बड़ा आसानी से हो जाएगा। आज भी जेल कितने पहुंचते हैं ये बताइए, कितनों को इंसाफ मिल पाता है, कितनी महिलाओं को इंसाफ मिल पाता है? अमेठी की घटना अभी भूले नहीं थे हम, वो जलती हुई जिंदा लाश कोई नहीं भूला था,
मरने के बाद आपकी पुलिस जागती है, मरने के बाद योगी आदित्यनाथ आप जागते हैं, आपका प्रशासन जागता है, और फिर आप 10 लाख रुपए का मुआवजा दे देते हैं, आप बच्ची की पढ़ाई हम करवाएंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। अरे ये सब करना क्यों पड़ता है? आप सुरक्षा का वादा क्यों नहीं कर लेते हैं? आप तो बहुत स्ट्रांग है ना, आप तो ये मानते हैं और ये कहते आए हैं कि मैं वही करता हूं जो इस राज्य के लिए बेहतर है, तो फिर क्यों नहीं इस पूरे के पूरे सांड गांठ को, ये खाकी वर्दी और ये खादी, इन सब के जो सांड गांठ है इन अपराधियों के साथ, इन गैंगस्टर्स के साथ, इन छुटभैये गुंडों के साथ, आप इसे तोड़ क्यों नहीं सकते हैं? या तो कह दीजिए कि ये नहीं हो सकता है, ये चलता आया है, चलता जा रहा है और चलता रहेगा। फिर बड़े बड़े दावे और वादे नहीं होने चाहिए कि या तो वो जेल में होंगे या फिर यहां से छोड़कर चले जाएंगे। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं बताती है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। अगर ईमानदारी से पुलिस ने अपना काम किया होता तो आज यहां खड़े होकर मुझे इस पूरे के पूरे मसले पर एक लाइव नहीं करना पड़ा होता और आपसे सवाल नहीं पूछने पड़ रहे होते। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बस वो चाल चल रही है, चाल धीमी गति की, वो चाल चल रही है जिसमें उसे अपना फायदा दिख रहा है, राज्य का फायदा नहीं दिख रहा। और शायद यही वजह है कि मुखबिरी होती है गैंगस्टर विकास दुबे के लिए, शायद इसीलिए 8 खाकी वर्दी वालों की हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या हो जाती है, शायद इसीलिए एक के बाद एक सवाल उठते हैं कि इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया क्या इसलिए कि बहुत सारे राज इसके सीने में दबे हुए थे, शायद इसीलिए कि वो जो उसका खजांची था जो अभी हाल फिलहाल पकड़ा गया है, अनु वाजपेयी, आई थिंक अनु वाजपेयी उसका नाम है, आई एम श्योर ही इज वाजपेयी, क्यों उस शख्स को आपने पकड़ा फिर छोड़ दिया, फिर कहा सबूत नहीं है, फिर जब मीडिया में लगातार आपकी पुलिस पर सवाल उठते रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े हुए, तो फौरन उसको उठाकर वापस लेकर चली गई। हमने मास्टर स्ट्रोक में एबीपी न्यूज़ पर क्या रिश्ता है इस वाजपेयी का, जय वाजपेयी, अनु नहीं, जय वाजपेयी, जय वाजपेयी का विकास दुबे के साथ क्या रिश्ता है, हमने बकायदा पूरी बैंक डिटेल्स निकालकर जनता के सामने रख दी थी, और आपकी पुलिस को योगी जी अब तक ये पता नहीं चल पाया था, उसको खुले में छोड़ दिया था। वो शख्स जो पान की दुकान चलाता था एक टाइम तक, आज करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां लेकर बड़े बड़े बंगलों में कैसे रह सकता है? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, और ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए ये कड़ियां मिली हुई है, इसलिए कि साफ तौर पर एक जो वो छोटे लेवल का गुंडा होता है ना, छोटे लेवल का जो जिसने शुरू ही किया होता है, पॉकेटमारी शुरू की होती है, गाली गलौज शुरू किया होता है, उसके लिए तो एस्पिरेशन वैल्यू इस तरीके के गैंगस्टर्स खड़ी करते हैं। क्या वैल्यू? कह रहे देखो इसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाया, देखो ये कितना अमीर हो गया, देखो इसके क्या रसूख है, देखो पुलिस वाले इसके आगे सलाम ठोकते हैं। तो आपने वो सर्कल क्रिएट कर दी, वो कुचक्र जो है वो शुरू हो गया, अब इसका किसी तरह का कोई खात्मा ही नहीं हो सकता, इसको बीच में से कौन काटेगा? Who is going to cut that cord? एक सेकेंड, MD अलाउद्दीन कह रहे कपड़े सही पहनने चाहिए, किसको कपड़े सही पहनने चाहिए? अलाउद्दीन ये तो शुक्र मनाइए कि आप ना सिर्फ नाम से मुझे यहां इस टाइमलाइन पर दिख रहे हैं, शुक्र मनाइए। इसके क्या माने हैं कि कपड़े सही पहनने चाहिए? आप जैसे जाहिलों की वजह से हिंदुस्तान में इस तरीके के औरतों के खिलाफ क्राइम होते हैं, आप जैसी सड़ी हुई बुद्धि वालों की वजह से। आप अपने कपड़ों, अपने आंखों पर क्यों नहीं कपड़ा डाल देते, अपनी आंखों पर पर्दा क्यों नहीं डाल देते? यहां बैठकर ज्ञान देंगे कि कपड़े पहनने चाहिए सही, तो उन छोटी मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? वो तो नैपी पहनती हैं, जो दो दो साल की छोटी उम्र की बच्चियों के रेप होते हैं वो कपड़े से होते हैं। जहालत का कोई इलाज नहीं है अलाउद्दीन, और आप उन जाहिलों में से एक हैं।
ऑलराइट, गणेश कह रहे हैं ये तभी होगा जब अपराधी को सीधे फांसी होगी। मैं इसमें भी सर यकीन नहीं रखती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, हास्यास्पद ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट हिंदुस्तान में जनता को मिला है जिसमें तीन तीन चार चार साल तक केसेस चलते हैं, मतलब ये तो गति है। आप कैसे खौफ ला पाएंगे इन अपराधियों में? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस ठोक देना चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए, फांसी पर लगा देना चाहिए, बट इनफ इज इनफ। आपको वो तरीका खोजना होगा, और मैं कह रही हूँ कानूनी रूप से खोजना होगा, उस सांठ गांठ को ख़त्म करना होगा। ये जो लंबित हैं केसेस एक के बाद एक, पेंडेंसी तो आप देखिए किस कदर है हमारे कोर्ट्स पर और कोर्ट्स में चल रहे केसेस की, 90% है यहाँ उत्तर प्रदेश में। सिर्फ पुलिस को दोष देने से काम नहीं चलेगा, और जब पुलिस वालों को मारा जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे जितेंद्र कुमार, आप इस बात को समझिए, अगर पुलिस को दोष नहीं देना है तो फिर किसको दोष दें? क्या करें, लड़कियां घर से निकलना छोड़ दें? पुलिस का काम क्या है? क्या काम है पुलिस का, मुझे आप लोग बताइए। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। पुलिस का काम है कानून को किसी भी कीमत पर टस्समस ना होने देना। बिल्कुल सिंपल है। अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो उन पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, तो किन पर सवाल उठाए जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों को भी मार दिया जाता है, कैसे? उन्हीं के अंदर एक ब्लैक शीप था ना, वहीं का SHO था ना जिसने मुखबरी की, उन्हीं के अंदर का एक भेदी था ना जिसने जाकर विकास दुबे को बताया। तो ये जो जिम्मेदारी है वो बेशक किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी ही होगी और पुलिस के ही जिम्मे आएगी। अंकित, यू बीइंग वायलेंट, यू कांट डू दैट, कट। मतलब आप में और फिर जंगल राज में क्या फर्क रह जाएगा? आप लिंचिंग नहीं कर सकते हैं, आप में उस अपराधी में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से सोच रहा है, जो क्रिमिनल सोच उसकी है, बिल्कुल वैसी ही आपकी है। खून का बदला खून नहीं हो सकता है। और फिर मैं कह रही हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ की सबसे पवित्र चीज़ कानून है, संविधान है, और संविधान के दायरे में रहते हुए हमको इस अपराध को, इन अपराधियों को किसी भी कीमत पर इनका एनकाउंटर करना होगा, अपराध का एनकाउंटर करना होगा। हाँ खाला, आप क्यों यहाँ पर आ गए? 8 बज चुके हैं। ओके, आई गॉट इट। पता नहीं, मगर आप करवा करें तो योगी जी खराब, राहुल बाबा को बोलिए चुप करके रखने को, ये जितने भी गुंडे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों भाई, राहुल गांधी के चुप होने से गुंडे कैसे ख़त्म हो जाएंगे? मेरे समझ में नहीं आया। ऑपोजिशन का काम क्या होता है, विपक्ष का काम क्या होता है? अगर सरकार उस ट्रैक से हट रही है, उसको सवाल करना। और अगर राहुल, मैं ये कह रही हूँ कि आज राहुल गांधी ने कहा है, वादा था राम राज का, आ गया गुंडा राज। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई राजनेता है तो राजनीति करेंगे। मैं कह रही हूँ इस वक्त पर अगर राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल में गलत क्या है? क्या लड़कियों के बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या वहाँ गाज़ियाबाद में उस लड़की के पीछे 5 लड़के नहीं पड़े थे? क्या उस लड़की ने जब आवाज़ बुलंद की तो उस लड़की के मामा को गोली नहीं मार दी गई? ये हुआ कि नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? ऑफ कोर्स हुआ है। और इसीलिए हर बार ये कह देना कि ये नेता राजनीति कर रहे हैं, अगर इफ़ इट इज़ फॉर गुड देन पॉलिटिक्स मस्ट हैपन। असल राजनीति यही है। आपने सवाल किया और इस सवाल
के लिए, मुझे लगता है अभी इस वक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने लोग आवाज़ बुलंद करेंगे और जितने लोग सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से करेंगे, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। इट्स अबाउट विमेन सिक्योरिटी, और इसमें किसी तरह की इफ एंड बट को आप नहीं ला सकते हैं। आर के अविनाश, मेरे ख्याल से आई कैंट गो डाउन अगेन, देर सम वे ऑफ नॉट गोइंग डाउन, आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। सख्त कानून तो आ चुका है। आप ये कह रहे हैं कि इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि जब आपने सज़ा काट ली है, जब आप जेल में चले गए, मैं कह रही हूँ कि जो भी सज़ा है वो उसको काटनी होगी, और उसके बाद जब आएंगे तो आपको आपने वो पश्चाताप कर लिया है, आपने अपने किए की सज़ा भुगत ली है, फिर समाज आपको वापस जो है अपना लेगा। वो बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ पहले उसके किए की सज़ा तो उसे मिले। वो तो इतना आराम से खुले में घूमता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बेखौफी मेरे लिए परेशानी का सबब है। जब एक लड़का लड़की को छेड़ते हुए ये सोचता है कि ये मेरी बपौती है, इसको तो कोई भी छेड़ सकता है, इसको तो मैं छेड़ूंगा ही छेड़ूंगा, जैसे वो अलाउद्दीन जैसे बेवकूफ जाहिल लोग जो कह रहे हैं कि नहीं कपड़े ढंग के पहनने चाहिए, ऐसी मेंटालिटी के लोग जो हैं उनमें अगर पुलिस का खौफ नहीं होगा। देख, 100 बात की एक बात, महिलाओं के प्रति इज्जत और पुलिस के प्रति और या फिर पुलिस की तरफ से खौफ, ये भाषण से नहीं आ सकता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग शासन की जरूरत है, और योगी आदित्यनाथ को ये किसी भी कीमत पर करना होगा। आज रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में वो तमाम सवाल महिलाओं की सिक्योरिटी से और सुरक्षा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अभी इजाज़त मुझे आप दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल दोबारा। हम लोग 7:30 बजे के आसपास आपसे मुलाकात करेंगे। आई एम सो हैप्पी कि आप बहुत सारी तादाद में लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ब्रज, नमस्कार आप सभी को। संदीप मिश्रा कह रहे हैं अयोध्या मंदिर कभी नहीं बनवा पाएंगे मोदी। भाई राम राज्य की बात हो रही है, राम मंदिर की बात नहीं हो रही है। दिस इज नॉट द टाइम टू स्पीक अबाउट इट। ओके, कुलदीप कह रहे हैं अपराध के खिलाफ फास्ट एक्शन लेना ही होगा। यस, ओम शुक्ला कह रहे हैं वेरी गुड। ओके, बट डियर मैम प्लीज टॉकिंग अबाउट दीज मैन हु चीटेड हियर फैमिली। मैं समझी नहीं हरभजन जी। राजू पाल कह रहे हैं योगी जी है तो मुमकिन है भाई, 2017 से 18, 19 से 20 अभी तक तो योगी जी है, मुमकिन नहीं हो पाया है महिलाओं के केस में। जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम सब मिलकर सलूट कर देंगे, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि योगी जी आपने भाषण बहुत शानदार दिया था, काम तो नहीं हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 20% NCRB का ये ताज़ा लेटेस्ट आंकड़ा है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम आप लोगों में ये है ना, हर चीज़ को आप इशू बेस कभी नहीं देखते हैं, और ये बड़े दुखद है, ये अनफॉर्चुनेट है कि आप तमाम लोग, तमाम व्यूअर्स ना पार्टियों में बट गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप पार्टियों को 5 साल में एक मरतबा बस वोट करते हैं। आपकी सोच भी ना एक की प्रो BJP, एक की प्रो कांग्रेस, एक ही एंटी BJP, एक ही एंटी कांग्रेस। अरे अरे भैया, वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बनते चले जा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हैं आप कि देखो देखो ये हो रहा है। अरे इशू बेस्ड बात हो जाए, इसको थोड़ा साइड में रखिए ना, आपके इसको दरकिनार कीजिए।
कि देखा हम तो कहते थे कि इस राज्य में ऐसा ही होगा, क्यों? क्योंकि बीजेपी का आ रहा है। देखिए हम तो हमेशा से कहते थे राजस्थान में ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। नॉट एक्सपेक्टेड, पढ़ी लिखी जनता से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती है। आप लोग समझदार लोग हैं, आप जानते हैं कि राजनीति के खेल क्या होते हैं। आपस में लड़ना बंद कीजिए और इशू बेस्ड और तर्क और लॉजिक देना शुरू कीजिए। ये जो आप सभी लोगों ने चश्मा लगाया हुआ ना, एक अंधभक्त कांग्रेस और एक अंधभक्त बीजेपी का, इसको निकालिए, दो टुकड़े कीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। नहीं किया तो उसी चश्मे से फ्यूचर आपको अंधकारमय दिखाई देगा। देखने की कोशिश कीजिएगा, मुझे तो दिख रहा है आप लोगों का, मैं सच बता रही हूँ। कड़वी बात कह रही हूँ पर कटु सत्य इसे कहते हैं। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।